सबको ब्लेस करती हूँ। मैं होप करती कि आप सब लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पिछली बार हमने बात की थी कि परमेश्वर का भय जब हमारे जीवनों में होता है तो परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हमें आशीष देते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही खास और ज़रूरी विषय पे फिर से आपके साथ बात करने आई हूँ कि जब परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में भी होता है, हम हर एक बुराई से दूर रहते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, लेकिन हम में से कुछ विश्वासी या बहुत से विश्वासी कुछ आशीषों से रह जाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब परमेश्वर हमारा विश्वास परख रहे हों। जी हाँ, परमेश्वर हमारा विश्वास परखते हैं। हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 12 आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर हम इंग्लिश में इसका कंटेम्प्रेरी वर्जन पढ़ें तो उसमें लिखा है कि गॉड विल ब्लेस यू इफ़ यू विल नेवर गिव अप व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड। तो जेम्स चैप्टर 1 उसका 12 आयत कहता है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा अगर आप गिव अप नहीं करें, अगर आप हार नहीं माने, जब आप अपने विश्वास के बेस पर टेस्ट किए जा रहे हो, जब आपकी परीक्षा चल रही हो। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही फेमस घटना को देखेंगे। आप सब इस बात को जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने जब टेस्ट किया था। हम उत्पत्ति 22 अध्याय में आ जाएंगे। वी विल कम टू द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 22। इस चैप्टर की पहली आयत में परमेश्वर कहता है कि जब मैंने अब्राहम को टेस्ट करने का सोचा। तो हम पहले बाइबल में हम सबसे पहली जगह पर यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब टेस्ट किया, परमेश्वर ने किसको टेस्ट किया? अब्राहम को। किस बेस पर? उसके बेटे की, उसकी आशीष के बेस पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट किया। हम सब जानते हैं कि अब्राहम का प्रिय पुत्र कितनी बुजुर्गी में मिला था। जब अब्राहम लगभग 100 साल का होने ही वाला था तब अब्राहम का बेटा हुआ जिसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था। और फिर परमेश्वर ने उसको टेस्ट किया। परमेश्वर ने बोला कि तू अपने बेटे को बलिदान कर दे। परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहा था। हमारे साथ भी बहुत बार होता है कि परमेश्वर हमें टेस्ट करते हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी स्कूल की परीक्षा ले रहे हैं। स्कूल के टेस्ट्स भी बहुत मुश्किल होते हैं, कॉलेज के टेस्ट भी बहुत मुश्किल होते हैं, एंट्रेंस लेवल के और मुश्किल होते हैं। तो परीक्षा वो होती है जब हम अपने जीवनों में मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, जब हमने बहुत सी चीज़ों का सेक्रीफाइस किया हो, हमने अपने रिलैक्स का, अपने आराम का जब हमने बलिदान दिया हो, तब हम उसको कहते हैं कि हम परीक्षाओं में से होकर गुजर रहे हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ भी ऐसा किया, अब्राहम को एक परीक्षा में डाल दिया। और इस चैप्टर की जब हम 5वीं आयत देखते हैं, हम देखते हैं कि अब्राहम अपने जो दो नौकरों को साथ में लाया था, अब्राहम उनको कह रहा है कि तुम यहीं पे रुको, हम पहाड़ पर जाएंगे और वर्शिप करके हम वापस आ जाएंगे। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है कि वी विल कम बैक टू यू। अब्राहम के दिल में एक विश्वास था। पहली आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट करने का सोचा और 5वीं आयत में हम देखते हैं कि अब्राहम के फेथ का लेवल कितना हाई था। अब्राहम के विश्वास का जो लेवल था वो एक नेक्स्ट लेवल था। अब्राहम को पता था कि वो अपने ही बेटे को बलिदान करने जा रहा है और उसको पता था कि उसको इतनी बूढ़ी उम्र में ये बेटा मिला है, लेकिन अब्राहम का विश्वास हमें ये 5वीं आयत में देखने को मिलता है। हम सब इस घटना से हम आशीष पा सकते हैं, हम इंस्पायर हो सकते हैं कि अब्राहम ने बोला हम वापस आ जाएंगे। ये अब्राहम का विश्वास था। और जब हम 16वीं आयत को देखते हैं कि अब्राहम ने अपना टेस्ट पास कर लिया। 16वीं आयत में लिखा है कि यहोवा की यही वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है अपने पुत्र वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसमें परमेश्वर ने अब्राहम को वो टेस्ट का रिजल्ट दिया कि बच्चे तू पास हो चुका है। और 17वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को उस आशीष का रिवॉर्ड दिया, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। तो बहुत बार हमारे जीवनों में ट्रायल्स आएंगे,
हमारे जीवनों में परीक्षाएं आएंगी, हम अब्राहम की कहानी से देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह हमें भी परीक्षाओं में लेकर जा सकता है। अब्राहम के पास एक ही बेटा था। अगर हम आज के बेसिस पे देखें तो परमेश्वर आपको भी मुझे भी टेस्ट कर सकता है। हमारे ऑफरिंग के स्केल पर, हमारी दशमांश भेंटों के स्केल पर परमेश्वर हमें टेस्ट कर सकता है। अगर हमारे पास कम है तो हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं कि नहीं, हम कितना दे रहे हैं, हम कितना नहीं दे रहे, ये भी हमारे लिए एक टेस्ट, हमारे लिए एक परीक्षा हो सकती है। तो मैं चाहूँगी कि आप याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 12 आयत को अपने जीवनों में लाए कि अगर आप अपने टेस्ट में दृढ़ रहेंगे, अगर आप अपनी परीक्षा में स्थिर रहेंगे, अगर आप हार नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देंगे, परमेश्वर आपको निश्चय ब्लेस करेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और मैं दुआ करती रहूँगी कि आप कभी भी अपने टेस्ट में फेल ना हो, परमेश्वर आपको ऊँचे ऊँचे टेस्ट में भी पास कराए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।